नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त राहुल निमेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और एक नए वीडियो में। माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप भी किसी भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को आप कहीं से स्किप ना करें, वीडियो को आप लास्ट तक देखें। अगर आप वीडियो को स्किप कर देते हैं आपको प्रॉपर जानकारी नहीं मिल पाएगी जो मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। और गाइस, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, आप चाहते हैं हम आपके लिए इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन लेकर के आते रहें, कृपया करके आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। उससे क्या होगा, कोई भी हमारी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। बट गाइस, नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर देंगे। तो चलिए, ज्यादा वक्त न लेते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आपको पता होगा, पिछले 2020 से हम आपको प्रॉपर तरीके से अवेयर करते आ रहे हैं इन लोन एप्लीकेशन के रिगार्डिंग, जो भी मोबाइल फोन के द्वारा लोन प्रदान कराती हैं। आपको पता होगा ये आपको 3000 का लोन देती हैं, और 3000 का लोन देने के बाद में जैसे ही 7 दिन बीतते हैं, 7 दिन या 15 दिन बीतते हैं, उसके बाद में आप लोगों से एक बड़ी वसूली करती हैं। जैसा कि आपको पता होगा, चाइनीज लोन एप्लीकेशंस के ऊपर प्रॉपर तरीके से एक्शन लिया गया था हैदराबाद पुलिस के द्वारा। अब उसके बाद में जैसे ही एक्शन लिया गया, कुछ टाइम के लिए मामला शांत रहा। मामला शांत होने के बाद में अब हम 2-3 महीने से देख रहे हैं ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर दोबारा से रिलीज हो गई हैं, जो कि आपको इंस्टेंटली लोन प्रदान कराने का दावा करती हैं। ना वो RBI से प्रॉपर तरीके से ऑथराइज्ड होती हैं और ना ही वो कोई अपनी डिटेल्स वहाँ पर देती हैं। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इन कंपनियों से लोन लेते हैं। उनको बताया जाता है क्लियर कट तरीके से कि भैया आप ऐसी एप्लीकेशंस पर अप्लाई ना करें, आपके लिए काफी समस्याएं हो सकती हैं, आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, एक एक चीज बहुत बारीकी से समझाई जा सकती है। तो देखिए, हम आपको एक बात क्लियरली बता दें, हम आपको निरंतर अपनी वीडियो के माध्यम से ये बात क्लियर करते हैं कि भैया आप लोन मत लो, आप फिर भी लोन लेते हो। देखिए, आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है, आप लोग देख लीजिएगा। जैसा कि हम आपको बता दें, गुड़गांव से 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है जो कि इस रैकेट को चला रहे थे, प्रॉपर तरीके से लोगों को लोन प्रदान करा रहे थे 2000-3000, फिर उसके बाद में 6-7 हजार की वसूली कर रहे थे। उसके बाद जब पुलिस के द्वारा एक्शन लिया गया, सारी डिटेल्स निकल करके आई। जैसा कि हम आपको प्रत्येक वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि ये अपने प्रॉपर तरीके से जो सारी चीजें हैं गलत कार्य करते हैं और आपके डेटा को लेकर के उसका मिसयूज करते हैं, आपके फोटो, आपकी गैलरीज, A to Z जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास में हैं आपके फोन के अंदर, ये सभी को ले लेते हैं। अगर आप भुगतान करने में 1 या 2 दिन का डिनाई कर देते हैं तो आपको काफी ब्लैकमेल किया जाता है, ये बात आप भली भांति जानते होंगे, हम निरंतर अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताते आ रहे होंगे। तो देखिए, आप इस आर्टिकल को अच्छे तरीके से रीड कर लीजिएगा, आपको क्लियर कट जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर एक एक चीज बारीकी से समझाने का प्रयास किया है द टाइम्स ऑफ इंडिया ने, ठीक है। ये आर्टिकल जो है द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से बताया छापा गया है, इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि 2 लोगों का जो है गुड़गांव से अरेस्ट कर लिया गया है जो कि इस प्रकार के रैकेट को चला रहे थे, जो कि चरखरी दादरी के रहने वाले लोग हैं, कुछ ऐसा कुछ यहाँ पर बताया गया है। और आप इस तरह से चेक करेंगे तो अपने तो पता लग जाएगा आपको डिटेल में आखिर क्या सारा मामला है। लेकिन मैं मोटी मोटी आपको जानकारी दूं तो देखिए यही है कि देखिए, ये एक ऐसी एप्लीकेशन थी माया कैश करके है कोई, जो कि ना तो RBI से पंजीकृत थी और ना ही इसके पास में प्रॉपर तरीके से कोई ऐसा सिस्टम है कि ये आपको लोन दे सके। लेकिन फिर भी ये आपको लोन दे रही थी 2000-3000-4000, और उसके बाद में इसके रिकवरी एजेंट प्रॉपर तरीके से लोगों को हरास कर रहे थे, लोगों को ह्यूमिलेट कर रहे थे, डरा रहे थे, उनको धमका रहे थे। तो दोस्त, मैं आपको आज एक फिर बात कहना चाहूँगा, देखिए आप घर में भूखा रह लीजिएगा बट ऐसी एप्लीकेशंस पर आप बिल्कुल भी अप्लाई ना करें, आपका भविष्य बर्बाद हो सकता है। आपको पता होगा इन चाइनीज लोन एप्लीकेशंस की वजह से कितने लोगों ने सुसाइड किया है, ये बात आप जानते हैं नहीं जानते हैं। देखिए, हम अपनी वीडियो के माध्यम से बहुत ज़्यादा लोगों को अवेयर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ जो अपने आप को NGO का मतलब कुछ कहते हैं, वो हम पर आरोप लगाते हैं कि हम कंपनी पर को ब्लैकमेल करते हैं। तो आज मेरा सपोर्ट NGO वालों से है जो इस प्रकार की बातें करते हैं कि भाई तुम हमें ये बता दो, एक तरफ तुम लोगों को अवेयर करने का काम करते हो, एक तरफ लोगों से इस प्रकार की बातें करते हो और फिर हम लोगों पर आपकी आरोप लगाते हो। आप मुझे एक बात बताइए, ये जो कंपनियां हैं आपके चाचा की हैं, मामा की हैं, दादी की हैं, फूफी की हैं, किसकी हैं भाई, जो तुम्हें इतना दर्द होता है। भाई देखो, जो जनता के साथ में गलत करेगा, राहुल निमेश जय जनशक्ति से आवाज ऐसे ही उठाता है और निरंतर अपनी वीडियो के माध्यम से उठाता रहेगा, चाहे कोई NGO वाला आए चाहे कोई भी आए। तो उन NGO वाले लोगों को भी ये बात समझनी होगी, NGO खड़ा करके इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सही लोगों पर आरोप लगाओ और किसी भी लोगों को गलत तरीके से बदनाम करो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी भी व्यक्ति को कुछ भी कह दो। तो उन लोगों को
तो खैर मैं क्या ही कहूँ, वो उनकी मानसिकता है और भगवान उनको काफी दुआ दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारा कार्य आपको अवेयर करने का, जागरूक करने का निरंतर अपनी वीडियो के माध्यम से हम करते रहेंगे। और एक और बात उनको मैं बता दूं, मुझे किसी प्लेटफॉर्म की आवश्यकता नहीं है कि मुझे उस पे जाकर के ये करना है कि हाँ भाई मैं आज कोई भी एपिसोड रिलीज करा दूं, ऐसा वैसा नहीं भाई। राहुल निवेश तो भैया अकेला है और अकेले तरीके से ही खुद इतना सक्षम है, लोगों को अवेयर कर सकता है। जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगती है देखें, अगर नहीं अच्छी लगती है ना देखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर किसी को लगता है कि किसी वीडियो में कोई गलत इन्फॉर्मेशन है, कमेंट कर सकते हैं, उसको हम प्रॉपर तरीके से रिजोल्व कर देंगे। वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस आर्टिकल का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां जाकर के इसको देख सकते हैं, अच्छे तरीके से रीड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जो भी जानकारी दी है इस आर्टिकल में आपको मोटी मोटी दी है, डिटेल से आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी कोई क्वेरी है तो कमेंट में पोस्ट कर दें। बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिर मिलूंगा किसी और वीडियो में।